हेलो बच्चों मैं हूं अजय सर आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में वेलकम है आज हम क्लास एट से चैप्टर फोर्टीन मेन्जोरेशन वन करने वाले तो इसमें के एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना रहेगा ये जो सारे फार्मूले हैं बच्चों ये आपको याद होने चाहिए ठीक है तो देखते हैं वन बाई वन तो यहाँ पर आपका फर्स्ट फार्मूला है एरिया ऑफ ट्राइंगल एरिया ऑफ ट्राइंगल आपका इक्वल होता है वन बाई बेस इन हाइट के ठीक है फिर नेक्स्ट है आपका एरिया ऑफ रोम्बस तो एरिया ऑफ रोम्बस इक्वल होता है वन बाई टू इन टू फर्स्ट डायगोनल इन टू सेकेंड डाइगोनल्स ठीक है तो एक जो कॉड्रीलेटरल होता है उसमें मैक्सिमम टू डायगोनल्स होते हैं ठीक है फिर नेक्स्ट है आपका एरिया ऑफ ट्रेपेजियम तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम आपका इक्वल होगा वन बाई टू समल साइड इन टू हाइट के या इसी सम ऑफ पैरल साइड को हम बी वन प्लस बी टू भी लिख सकते हैं फिर नेक्स्ट है आपका एरिया ऑफ पैरलोग्राम एरिया ऑफ पैरलोग्राम आपका इक्वल होता है बेस इंटू हाइट के अब देखिए ये है एरिया ऑफ पैरलोग्राम इज इक्वल है बेस इंटू हाइट के अब इसी से कुछ और फार्मूले बन जाएंगे आपको एरिया पूछा जाएगा तब तो ये फॉर्मूला हो जाएगा बेस इंटू हाइट सपोज आपसे पूछा जाएगा बेस ऑफ पैरलोग्राम तो जब बेस ऑफ पैरलोग्राम पूछा जाएगा तब आपका जो फॉर्मूला है वो हो जाएगा एरिया अपॉन हाइट और आपसे हाइट पूछा जाएगा हाइट ऑफ पैरलोग्राम तब आपका फार्मूला हो जाएगा हाइट अपॉन बेस ठीक है तो एक फार्मूला आपको याद रखना है अच्छे से तो इस फार्मूले से हम बेस भी फाइंड कर सकते हैं और हम हाइट भी फाइंड कर सकते हैं पैरलोग्राम का फिर नेक्स्ट है ये लास्ट के जो थ्री फोर जो फार्मूले है ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं इनसे रिलेटेड आपको एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए मिले, मिलेगा बच्चों तो देखिए नेक्स्ट है यहाँ पे अब एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर पाथ ठीक है रेक्टेंगुलर जैसे रहता है ना वैसे रेक्टेंगल जैसे रहता है सपोज ये ये तो इसमें एक्चुअली में इस टाइप के जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो टू रेक्टेंगल रहेंगे एक बिगर होगा एक स्मॉलर होगा तो एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर पाथ का फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ़ बिगर rectangle माइनस एरिया ऑफ स्मॉलर रेक्टेंगल एक बिगर रेक्टेंगल है smaller रेक्टेंगल है तो जब हम इसमें का एरिया find करेंगे तब करना क्या रहेगा बिगर वाले रेक्टेंगल के area से माइनस कर देना रहेगा smaller वाले रेक्टेंगल के area को वैसे ही एक नेक्स्ट है आपका एरिया ऑफ सर्कुलर पाथ तो सर्कुलर पाथ means जैसे आपने सर्कल देखा ही होगा तो उसमें भी आपको टू सर्कल ऐसे एक आपका बिगर होगा एक आप, आपका स्मॉलर सर्कल हो जाएगा तो एरिया ऑफ सर्कुलर पाथ इक्वल हो जाएगा एरिया ऑफ बिगर सर्कल माइनस एरिया ऑफ स्मॉलर सर्कल स्मॉलर सर्कल बिगर सर्कल के एरिया से हम माइनस कर देंगे स्मॉलर सर्कल के एरिए को तो आपको क्या मिल जाएगा एरिया ऑफ सर्कुलर पाथ अब देखिए एरिया ऑफ सर्कल ये बहुत इंपॉर्टेंट है एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर ठीक है फिर नेक्स्ट है आपका सरकम या पेरीमीटर कभी कभी इसको पैरीमीटर ऑफ सर्कल भी रीड करते हैं और कहीं पर, कहीं पर सरकमफेरेंस ऑफ द सर्कल ठीक है तो इसका फार्मूला होता है टू पाई आर तो ये जो है, है, फॉर्मूले हैं ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है हालांकि छोटे छोटे एग्जाम फॉर्मूले हैं बट ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके क्वेश्चन में काम आएंगे तो आपको करना क्या है बच्चों ये सारे जो फॉर्मूले हैं ये आपको याद होना चाहिए याद हो जाएगा तो एक्सरसाइज के क्वेश्चन हम इजीली सॉल्व कर पाएंगे तो अब आइए इसी फार्मूले के बेस पे हम कुछ एग्जाम्प कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं एक्सरसाइज के आइए बच्चों एक्सरसाइज फोर्टीन से फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पे फाइंड आउट द एरिया ऑफ पैरोग्राम हुज बेस एंड हाइट आर हैज फॉलो तो देखिए एक्चुअली जो फर्स्ट क्वेश्चन इसमें थ्री क्वेश्चन है तो ये आपका कुछ क्वेश्चन दिए ठीक है, है? जहाँ से हम कुछ देखते हैं तो फर्स्ट में आपका बेस है 15 सेंटीमीटर परपेंडिकुलर परपेंडिकुलर मीन्स हाइट है ठीक है आपने फॉर्मूला पढ़ा है एरिया ऑफ पैरलोग्राम का बेस इनटू हाइट तो यहाँ पे जो परपेंडिकुलर वर्ड है एक्चुअली में वही यहाँ पे हाइट है उस पैरलोग्राम की तो आप कंफ्यूज मत हो जाना कि परपेंडिकुलर कुछ और ही चीज़ होता है करके तो बेस आपका 15 सेंटीमीटर एंड आपका परपेंडिकुलर या हाइट जो है वो है 10 सेंटीमीटर तो देखिए आपको फाइन क्या करना है एरिया ऑफ पैरोग्राम तो यहां पे आप सबसे पहले यही लिख लेंगे एरिया ऑफ पैरोलोग्राम इज इक्वल्स टू होता है आपका बेस इनटू हाइट देखिए बेस्ट फर्स्ट क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपका बेस कितना है आपका देखिए यह है आपका फिफ्टीन सेंटीमीटर और आपकी जो हाइट की वेन है वो है टेन सेंटीमीटर देखिए ये भी सेंटीमीटर में है ये भी सेंटीमीटर में एक्चुअली यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है ठीक है बच्चों तो आप क्या करना फिफ्टीन इंटू टेन कर देंगे तो ये हो जाएगा आपका वन फिफ्टी और सेंटीमीटर का सेंटीमीटर से मल्टीप्लाई होता है तो ये हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर यह आप इसको लिख सकते हैं वन फिफ्टी स्क्वायर सेंटीमीटर तो ये आपका जो है ये आंसर आ गया बच्चों ठीक है तो ऐसे ही आपको बनाना रहेगा एक और देख लेते हैं बाकी जो नेक्स्ट मतलब जो लास्ट वाला है ये आप लोगों के लिए होमवर्क रहेगा तो देखिए सेकेंड क्या है सेकेंड भी मैं यही आपको सेम फॉर्मूला से बनाना है तो बेस है आपका 90 सेंटीमीटर और परपेंडिकुलर मीनस हाइट है 8 सेंटीमीटर तो यहाँ पे लिख देंगे बेस की प्लेस में बेस का वैल्यू तो बेस है आपका 90 सेंटीमीटर इंटू हाइट है आपका 8 सेंटीमीटर 8 का मल्टीप्लाई कर लेंगे 90 से 80 जीरो जो जीरो और 8 नाइन जो सेवेंटी टू और, और यहाँ पर आपको यूनिट भी लिखना है ठीक है क्योंकि सेंटीमीटर सेंटीमीटर में तो ये आपका सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा फिर इसको और लिख सकते हैं ऐसे सेवन ट्वेंटी स्क्वायर सेंटीमीटर यहीं पे आपका जो क्वेश्चन है वो मीटर में रहता ठीक है ये तो सेंटीमीटर में है सेंटीमीटर की प्लेस में मीटर रहता तब हम यहाँ पे लिखते मीटर स्क्वायर और इसको लिखना पड़ता आपको स्क्वायर मीटर बट यहाँ पे आपका सेंटीमीटर में है तो आपको सेंटीमीटर लिखना रहेगा और ये स्क्वायर सेंटीमीटर लिख सकते हैं तो ये आंसर कंप्लीट हो गया बच्चों तो ये जो थर्ड वाला है ये आप लोगों के लिए होमवर्क है इसको आप लोग बनाइएगा हम और नेक्स्ट क्वेश्चन देख आइए बच्चों कुछ और क्वेश्चन देखते हैं तो एक्चुअली में जो सेकेंड क्वेश्चन है उसमें भी आपको पूछा गया है एरिया ऑफ पैरोलोग्राम तो उसको आप लोग बना सकते हैं जिसमें ट्वेंटी सिक्स पॉइंट फाइव का आपको मल्टीप्लाई कर देना रहेगा सेवन से तो आपको आंसर आ जाएगा ठीक है फिर उसमें से आप देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है मतलब कि थर्ड क्वेश्चन फाइंड आउट द बेस ऑफ पैरलोग्राम हुज एरिया इज थ्री हंड्रेड नाइन्टी सेंटीमीटर स्क्वायर एंड द परपेंडिकुलर एन ट्वेंटी सिक्स सेंटीमीटर तो एक पैरलोग्राम है जिसकी एरिया आपको गिवेन है जो कि है 390 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड परपेंडिकुलर पेंडिकुलर हाइट आपको गिवेन है 26 सेंटीमीटर आपको फाइंड क्या करना है बेस फाइंड करना है ठीक है तो यहां पे आप पहले लिख लीजिए क्वेश्चन में क्या क्या गिवेन है तो एक तो आपको गिवेन है एरिया एरिया ऑफ पैरोलोग्राम तो ये आपका गिवेन है थ्री नाइन्टी सेंटीमीटर स्क्वायर एंड आपको हाइट गिवेन है एक्चुअली में जो परपेंडिकुलर है वो हाइट के इक्वल है जो कि ट्वेंटी सिक्स सेंटीमीटर और आपको फाइंड करना है बेस ठीक है क्या फाइंड करना है बच्चों बेस फाइंड करना है तो बेस के लिए आपने फार्मूला पढ़ा है ना या आप एरिया ऑफ पैरलोग्राम ही फॉर्मूले से आप बना सकते हैं ये आप डायरेक्टली लिख सकते हैं बेस ऑफ पैरोग्राम इज इक्वल्स टू एरिया अप, एरिया अपॉन हाइट ठीक है चलिए जो फॉर्मूला आपको याद है उसी से बनाते हैं ये आपको फॉर्मूला याद होगा एरिया ऑफ पैरोलोग्राम ये इक्वल होता है आपका बेस इनटू हाइट के अब सारा वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे देखिए एरिया ऑफ पैरोग्राम तो एरिया आपका गिवेन है 390 सेंटीमीटर स्क्वायर इक्वल टू बेस बेस आपको फाइन करना है तो बेस आप एज इट इज यहाँ पे लिख सकते हैं ठीक है हाइट हाइट है आपको 26 सेंटीमीटर क्वेश्चन में गिवेन है आपको इस बेस का वैल्यू चाहिए ना तो ये जो ट्वेंटी सेंटीमीटर है ना ये इसके अपॉन में आ जाएगा थ्री के ठीक है बच्चों तो हमको बेस फाइंड करना है तो आप पहले बेस लिख सकते हैं बेस इज़ इक्वल्स टू थ्री नाइन्टी अपॉन ट्वेंटी सिक्स अब देखिए थर्टीन टू ज़ा थर्टीन थ्री ज़ा थर्टीन ज़ीरो ज़ा मीन्स ये अभी आपका सिंप्लीफ़ाई करने के बाद आएगा थर्टी अपॉन टू टू वन जा टू फिफ्टीन ज़ा मतलब आपका जो बेस है कितना आ जाएगा 15 सेंटीमीटर ठीक है बेस जो है वो सेंटीमीटर में आएगा क्योंकि एरिया आपका सेंटीमीटर स्क्वायर में है इसलिए तो ये आपका जो बेस ऑफ पैरोग्राम का जो वैल्यू था वो कितना हो जाएगा फिफ्टीन सेंटीमीटर बच्चों बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर फोर फाइंड आउट द परपेंडिकुलर ऑफ पैरोग्राम विथ एरिया ट्वेल्व मीटर स्क्वायर एंड बेस इज सिक्सटी मीटर आपको एक पैरलोग्राम दिया गया रहेगा उसका क्या फाइंड करने के लिए बोला गया है? इस क्वेश्चन में परपेंडिकुलर परपेंडिकुलर पेंडिकुलर मीन्स आपको हाइट फाइंड करनी है और पैरलोग्राम का जो एरिया है वो है ट्वेल्व हंड्रेड मीटर स्क्वायर और बेस गिवेन है आपका सिक्स सिक्सटी मीटर आपको फाइंड करना है हाइट तो पहले यहाँ पे आप लिख लेंगे गिवेन जो आपके क्वेश्चन में गिवेन है तो देखिए एरिया आपको गिवन है स्टार्टिंग में यहाँ पे क्वेश्चन में तो एरिया ऑफ पेरोग्राम ये आपको गिवेन है 1200 हंड्रेड मीटर स्क्वायर एंड बेस बेस आपको गिवेन है क्वेश्चन में 60 मीटर करना है बच्चों इसमें परपेंडिकुलर परपेंडिकुलर मीन्स हाइट तो या तो आप फॉर्मूला लिख सकते हैं यहां पे आ,

पैरलोग्राम है जिसका एरिया आपको गिवेन है 1200 मीटर स्क्वायर एंड बेस आपको गिवेन है 60 मीटर आपको फाइंड करना परपेंडिकुलर परपेंडिकुलर पेंडिकुलर उस पैरलोग्राम परल, की हाइट फाइंड करना है तो देखिए यहाँ पे आपको गिवेन क्या है क्वेश्चन में एरिया एरिया ऑफ पैरलोग्राम तो पैरलोग्राम आपका जो एरिया ऑफ पैरलोग्राम गिवेन है वो है 1200 मीटर स्क्वायर एंड आपको यहाँ पे गिवेन है बेस बेस इज 60 मीटर आपको फाइंड करना है परपेंडिकुलर पेंडिकुलर मींस हाइट फाइंड करना है तो देखिए आपको जो फॉर्मूला याद है वो लिख लेंगे यहां पे एरिया ऑफ पैरलोग्राम ये इक्वल होता है आपका बेस इनटू हाइट के तो देखिए एरिया ऑफ पैरोग्राम आपको गिवेन है यहाँ पे 1200 मीटर स्क्वायर और बेस बेस आपको यहाँ पे गिवेन है 60 मीटर आपको फाइन क्या करना है हाइट तो हाइट को हम एज इट इज रहने देंगे ये 60 जो मीटर है वो इसके अपॉन में आ जाएगा तो आपको हाइट का जो वैल्यू है वो मिल जाएगा बच्चों ये आप क्या करना है ट्वेल्व को डिवाइड कर देंगे हम सिक्सटी से तो ये ज़ीरो ये ज़ीरो दोनों कैंसिल हो जाएगा सिक्स वन जा सिक्स टू जो ट्वेल्व सिक्स ज़ीरो जा, जा। मींस आपके पास हाइट का जो वैल्यू आ जाएगा ट्वेंटी मीटर आ जाएगा सो हाइट ऑफ या परपेंडिकुलर ऑफ़ पैरोग्राम का वैल्यू क्या हो जाएगा बच्चों ट्वेंटी मीटर ये आपका आंसर कंप्लीट हो गया